राजस्थान के अलवर में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत पर हुए हमले को लेकर जालौन में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने हाईवे जाम कर दिया और हमले के दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर जमकर प्रदर्शन भी किया। बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत अपने काफिले के साथ राजस्थान के अलवर जा रहे थे। इस दौरान कुछ अराजक तत्वों ने उनके काफिले पर पथराव कर दिया, जिसको लेकर भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ता उग्र हो गए और हमले को लेकर जालौन में कार्यकर्ताओं ने झांसी कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के बड़ा गांव पर जाम लगा दिया, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने कार्रवाई की मांग को लेकर राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। एसडीएम ने पत्र राष्ट्रपति को भेजे जाने का आश्वासन देते हुए कार्यकर्ताओं को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। हमारे जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है आदरणीय राकेश टिकैत जी, एक राजस्थान में वो पंचायत में जा रहे थे, तातापुर एक जगह है, वहाँ चौराहे पर जो है प्रायोजित लोगों ने, राजनीतिक लोगों ने उन पर एक प्राणघातक हमला किया है। उसके विरोध स्वरूप हम लोगों ने यहाँ जनपद जालौन के ग्राम बड़ा गाँव में नेशनल हाईवे पर जाम लगा करके और सरकार को ज्ञापन दिया कि उनको जेट प्लस सुरक्षा के साथ उन जो दोषी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। ये उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है माननीय राकेश टिकैत जी जो है उनके ऊपर अलवर में जैसा कि उन्होंने बताया कि कोई हमला हुआ है, उसी को लेकर प्रतीकात्मक रूप से इनका जाम था जो कि मुश्किल से 2-5 मिनट लगाया गया और उसी में उन्होंने ज्ञापन दिया।